हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी पी जी टी का पेपर जो मैंने करवाया था परसों, जिसमें आवाज़ कम थी, वो ऐसा हुआ ना, एक्चुअली मैंने बाल खोल रखे थे। मेरा माइक जो है, मैं अपने आप को निहारने में रह गई कि मैं बाल खोल के कैसी लग रही हूँ। माइक बालों में छुप गया, बेवकूफ़ सी ने ध्यान ही नहीं दिया कि माइक तो यहाँ लगा होना चाहिए, जिस वजह से आवाज़ जो है वो नहीं आ पाई। तो सॉरी फॉर दैट। आज मैंने उस दिन 51 क्वेश्चंस उसके करा दिए थे, आज उससे आगे के क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उससे आगे के क्वेश्चंस जो है, यानी कि 52 से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस का डे है 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, डी ट्रिपल एस बी पी जी टी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, और ये रहा हमारा पेपर। 51 तक मैंने करवा दिया था, लॉन्ग सिलेबस तक, 52 से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसे पिछले वाला पेपर देख सकते हैं, आज मैं इसे कंप्लीट करूंगी। तो 52 क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पे चलते हैं, और 52 क्वेश्चन है, फिलिप लार्किंस द विट्सन वेडिंग्स डिस्क्राइब्स पोएट नैरेटर्स ट्रेन जर्नी फ्रॉम द प्लेस ही वर्कड एज अ लाइब्रेरियन टू हिज होम टाउन, नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर ही बोर्डेड द ट्रेन। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जो एक पोयम जो है, इसमें विट्सन वेडिंग्स, विद द विट्सन जो है वो एक डे है जिसमें बहुत सारी शादियां जो हैं वो होती हैं, विट्सन सैटरडे। और इसमें एक ट्रेन जर्नी का जो है उन्होंने, फिलिप लार्किन ने दिखाया है। एक तरीके से ये एक पोयम बहुत ज़्यादा जो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम जो है कही जाती है। हालांकि एक जो क्रिटिक थे उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन ये पोयम उन्होंने लिखी है उस दिन कुछ स्ट्राइक थी तो ट्रेन चली नहीं थी, तो शायद इसमें रियलिटी नहीं है। मगर ये जो है विट्सन वेडिंग, विट्सन इज़ द नेम ऑफ द डे ऑन विच सो मेनी वेडिंग्स टेक प्लेस, और विट्सन वेडिंग जो है, और यहाँ इस पोयम में उन्होंने जिस जगह से वो ट्रेन बोर्ड करते हैं फिलिप लार्किन, उस जगह का नाम है किंगस्टन अपॉन हल। दैट्स किंगस्टन अपॉन हल, ये जगह का नाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोयम इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। तो ये पोयम किसने लिखी है? तो ये पोयम जो है वो लिखी गई है, ये इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये पोयम लिखी गई है एज्रा पाउंड के द्वारा, जो कि काफ़ी सारे पोएट्स के मेंटोर थे। तो एक मिनट में चेक भी कर लूँ, 53 का यस जो है एज्रा पाउंड ने लिखी है, काफी सारे पोएट्स के मेंटोर भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कीट्स टू ऑटम। टू ऑटम जो है वो इनमें से कौन सी चीज सच नहीं है? कीट्स जो कि एक रोमांटिक एरा के पोएट थे, कीट्स बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई, और कहते हैं कि कीट्स ने टू ऑटम जो पोएम लिखी थी वो उनका एक उनका आउटबर्स था पीटरलू मैसेकर के अगेंस्ट। नोट, मैं यहाँ शेले की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने पीटरलू मैसेकर के लिए अलग अलग लिखे हैं, मैं यहाँ कीट्स की बात कर रही हूँ। टू ऑटम के बारे में ये कहा जाता है, इट वॉज हिज आउटबर्स्ट अगेंस्ट पीटरलू मैसेकर। ये पोएम परसोनिफाइड है, इसमें सीजन्स को परसोनिफाई किया गया है। इट इज़ अ सोनेट, इट इज़ अ सेंसुअस पोएम। कीट्स की हर पोएम सेंसुअस होती है। इट इज़ रिटन इन 3 स्टैंजा स्ट्रक्चर ईच ऑफ 11 लाइन्स। ये तीनों बातें सही हैं, जो बात गलत है वो ये है कि ये पोएम जो है वो सोनेट नहीं है, टू ऑटम ओड है, और ये 1819 के ओड्स में सम्मिलित है। तो ये जो पोयम है ये ओड है, और टू ऑटम ये फाइनल वर्क है ग्रुप ऑफ पोयम्स का, जिनको कीट्स ने 1819 ओड्स जो है थे, ये फाइनल पोयम है कीट्स के ओड्स में, ये फाइनल पोयम है, और ये कीट्स का रिस्पॉन्स है टू पीटरलू मैसेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, Who is referred to as the Azure sister of the West Wind in Shelley's Ode to the West Wind? Shelley की Ode to the West Wind जो कि टर्ज़ारेमा में लिखी गई है, और ये Ode to the West Wind में उन्होंने अपने साइंटिफिक नॉलेज को भी बताया है। बहुत फेमस लाइन है इसकी, If winter comes, can spring be far behind? और ये जो पोयम है इसमें जो वेस्ट विंड है उसे प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर दोनों कहा गया है, उनकी सिस्टर जो है वो स्प्रिंग सीजन को कहा गया अज्योर, कि जो सारे में रंग बिखेर देती है, तो दैट इज स्प्रिंग सीजन को कहा गया है अज्योर सिस्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉल ऑफ हाइपीरियन।
फॉल ऑफ हाइपीरियन जो कि कीट्स का वर्क है, दैट्स एन एपिक पोएम. इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन्स जो है पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन ये अधूरी है पोएम, तो ये एक एपिक पोएम है. वॉट इज द नेम ऑफ डेविड मेलॉफ्स फर्स्ट नॉवल? डेविड मेलॉफ के फर्स्ट नॉवल का क्या नाम है? तो ये जो है देखते हैं, डेविड मेलॉफ के फर्स्ट नॉवल का नाम है दैट इज जॉनो. दैट इज जॉनो, ये है इनके नॉवल का फर्स्ट नेम. जहां मुझे समझाने वाले हैं वह समझा रही हूँ, जहां ऐसे ही स्ट्रेट है उनको ऐसे दे रही हूँ. स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डॉस्ट कॉन्सिक्रेट With thine own hues all thou dost shine upon of human thought of form, where art thou gone? These lines are taken from Shelley. Shelley की जो ये poem है, ये that's hymn to intellectual beauty. ये एक lyric poem है, that is hymn to intellectual beauty. Hymn to intellectual beauty से ये line जो है वो ली गई है, और ये शेले की एक खूबसूरत सी जो है वो lyric है. विंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रू ऑफ यीट्स फेमस पोयम द सेकेंड कमिंग. सबसे पहले मैं आप लोगों को सेकेंड कमिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. सेकेंड कमिंग जो पोयम है वो फर्स्ट प्रिंट हुई थी डायल नाम के जर्नल में, पब्लिश हुई थी. वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स को बताती हुई ये पोयम जो है कि वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट को बताती हुई पोयम है. चलिए इसके एक एक करके पॉइंट लिखते हैं. चिनुआ एशबेज फेमस नॉवल थिंग्स फॉल अपॉर्ट टेक्स इट टाइटल फ्रॉम दिस पोएम. बिल्कुल सही बात है, चिनुआ एशबे के नॉवल ने टाइटल जो है वो इसी पोएम से लिया है. इट इज रिटन इन सोनेट फॉर्म. द टाइटल ऑफ दिस पोएम अल्यूड्स टू बिब्लिकल बुक ऑफ रिविलेशन. बिल्कुल सेकंड कमिंग क्राइस्ट के जो है वो बर्थ को बताया गया है कि इट वॉज रिटन इन 1919 सून आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. तो ये जो इसमें सही जो नहीं है, ये एक एपोकलिप्टिक पोएम है. एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, इट्स एन एपोकलिप्टिक पोएम. तो ये जो है अब दिमाग में आया कि जो एपोकलिप्टिक पोएम क्या होती है, जो विध्वंस को बताती हुई पोएम होती है, तो वो एपोकलिप्टिक पोएम्स जो है कहलाती हैं. ये सोनेट फॉर्म में नहीं लिखी गई है. दिस पोएम इज नॉट रिटन इन सोनेट फॉर्म. ये सोनेट फॉर्म में नहीं लिखी गई है, ये सोनेट नहीं है. वॉट इज द रियल नेम ऑफ द अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन? मार्क ट्वेन का रियल नेम जो है वो क्या है? तो यहाँ पर ये देखिए कि उनका नाम है सैमुअल लैंगन क्लिमेंस. मार्क ट्वेन का जो रियल नेम है दैट सैमुअल लैंगन क्लिमेंस. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. 61. What word did Mrs. Moore hear in the Marabar caves when she went there for the first time in a passage of passage to India? ये passage to India है, और इसमें जो E.M. Forster का, तो ये जो है इसमें जो वो first word सुनती है caves में, that is thud. नहीं, thud नहीं है, boom. Boom है, boom. That is boom. Boom. Who among the following were the first to use the term confessional in a review of Robert Lowell's life studies? तो सबसे पहले किसने यूज किया था? कन्फेशनल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने लाइफ में जो कुछ भी घटा हो उसको सब सीधा सीधा बताने के मूड में हो, तो दैट इज कन्फेशनल. किसने फर्स्ट यूज किया था कन्फेशनल टर्म रॉबर्ट लॉवेल्स की लाइफ स्टडी में? दैट इज ऑप्शन नंबर वन, एम एल रोजेंथॉल. बेल जार इज ए. सबसे पहले हम बात करते हैं बेल जार है क्या. तो बेल जार जो है वो वर्क है सिल्विया प्लेथ का. ये याद रखिएगा कि ये जो बेल जार जो वर्क है ये इट इज जी ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है सिल्विया प्लेथ का. एक मात्र और एक चीज बताती हूं, इट इज द ओनली नॉवल बाय सिल्विया प्लेथ. ओनली नॉवल बाय सिल्विया प्लेथ. ओनली नॉवल बाय सिल्विया प्लेथ, ये जो नॉवल इन्होंने लिखा था. और इसके बारे में और भी आपको मैं बताऊं, मैंने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि सिल्विया प्लेथ के द्वारा लिखा हुआ केवल एकमात्र नॉवल उन्होंने लिखा था,
और ये एक रोमन आक्लेफ नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। रोमन आक्लेफ का मतलब होता है नॉवल विद अ की, और ये जो नॉवल है ये एक स्यूडोनिम से लिखा गया था, विक्टोरिया ल्यूकस, ये इसमें उन्होंने स्यूडोनिम यूज किया था, विक्टोरिया ल्यूकस इस नाम से ये नॉवल जो है वो लिखा गया है। तो ये मैंने बताया बेलजार जो है, इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ जो कि एक कन्फेशनल पोएट थी, भारत की कमला दास जी को उनसे कंपेयर किया जाता है। सिल्विया प्लैथ जिनको कुछ मेंटल इश्यूज थे और उन्होंने सुसाइड जो है वो कमिट की थी, और वो बहुत ही भयंकर तरीके से। तो ये था। और इसके अलावा एक इनकी सिल्विया प्लैथ एक कन्फेशनल पोएट थी तो मैंने बताया ही। इसके अलावा शी वॉज फेमस फॉर द कॉलोसस एंड अदर पोएम्स एंड एरियल, और इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था आफ्टर डेथ 1982 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑथर्स विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस विद द रिस्पेक्टिव पैसेज टू इंडिया, एबल मैकविच, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये ऑथर्स नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर्स होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है ये। और इसमें जो है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में मिस्टर पंबल चुक हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस में शार्लेट लूकस है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस में मार्लो है, पैसेज टू इंडिया में एबल मैकविच नहीं है। तो ये कैरेक्टर्स होना चाहिए, ऑथर्स नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। बताइए क्या कर सकते हैं। डैश वॉज फाउंडेड एज अ नेशनल थिएटर फॉर आयरलैंड बाय डब्ल्यू बी ईट्स एंड लेडी ग्रेगरी। पानी पी लो। पानी नहीं पिएंगे, बैठ के जो है खस जाएंगे, खस जाएंगे। अब ये देखिए कि इसमें डैश वॉज फाउंडेड एज अ नेशनल थिएटर फॉर आयरलैंड बाय डब्ल्यू बी ईट्स एंड लेडी ग्रेगरी 1904। जो कैल्टिक लैंग्वेज के रिवाइवल के लिए, कैल्टिक थिएटर के, कैल्टिक लैंग्वेज के रिवाइवल के लिए डब्ल्यू बी ईट्स ने काम किया लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर, एंड दे फाउंडेड टुगेदर एबे थिएटर, दैट वाज एबे थिएटर। इन मेनी ऑफ अ कन्फेशनल पोएम सिल्विया प्लैथ यूज द फ्रेज जर्मन टंग, नीट मुस्टैश एंड आर्यन आई, हु वॉज शी रेफरिंग टू इन दोज फ्रेजेस? सिल्विया प्लैथ ने अपनी कई सारी पोएम्स में जर्मन टंग, नीट मुस्टैश एंड आर्यन आईज जो है वो कहा है उन्होंने अपने फादर के लिए यूज करा है। ये जो फ्रेजेस हैं सिल्विया प्लैथ ने किसके लिए यूज करे हैं? फॉर हर फादर। नाउ द नेक्स्ट वन इन जी बी शॉज प्ले पिग्मेलियन, हिगिन्स एडवाइज एलिजा टू स्टिक टू टू टॉपिक्स वेन शी विजिट मिसेज हिगिन्स हाउस, वट वर दीज टॉपिक्स? शॉ का जो पिग्मेलियन प्ले है ये एक ग्रीक स्टैचू, ग्रीक से प्रभावित है पिग्मेलियन से, और ये प्ले जो है ये इसको मूवी में भी अडाप्ट किया गया था माय फेयर लेडी के लिए। और इसका जो आंसर है कि ये मतलब इनके दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, ये जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो बहुत मुझे लगता है जी बी शॉ से भी काफी और पिग्मेलियन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो इसमें दैट इज वेदर एंड हेल्थ, दैट इज वेदर एंड हेल्थ कि दो टॉपिक्स पे वो स्ट्रिक रहने को कहता है, दैट इज वेदर एंड हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हेयर ओवर थ्रोन, द कोर्टियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स हाई टंग सोड, हु इज द नोबल माइंड रेफर्ड इन द अबव लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट? तो शेक्सपियर का जो हैमलेट है, अगर आप लोगों ने शेक्सपियर का हैमलेट, अब क्या कहूँ, सभी नहीं पढ़ रखा होगा शेक्सपियर का हैमलेट, जैसे टी एस एलियट ने कहा है कि आर्टिस्टिक फेलियर, उन्होंने अपने ऐसे हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम्स में कहा है, बिकॉज इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और ये जो प्ले है मतलब ये शेक्सपियर का सबसे लंबा जो है वो प्ले है, और इस प्ले में जो ये लाइन है कि व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, ये कहा गया है हैमलेट के बारे में। व्हेन वाज मर्डर इन कैथीड्रल वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन थिएटर? मर्डर इन कैथीड्रल जो प्ले है दैट इज अ वर्स प्ले। ये जो प्ले है ये एक
मिरेकल प्ले है। मिरेकल प्लेस वो होते हैं जिसमें संतों के चमत्कार जो हैं वो दिखाए जाते हैं। ये इट इज बेस्ड ऑन थॉमस बैकेट्स मर्डर, थॉमस बैकेट के मर्डर पर ये आधारित है। और फिर बाद में उनको जो संत जो है वो घोषित किया गया था। तो ये जो प्ले है ये फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था थिएटर में, दैट इज इन 1935 में ये जो है ये प्ले जो है सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। इट वॉज और ये 1935 में इस प्ले को जो है वो दिखाया गया था। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, थॉमस बैकेट के मर्डर पे जो है इसको में दिखाया गया, थॉमस बैकेट का मर्डर जो कि हेनरी सेकंड के द्वारा करवाया गया था इन 1170 इन 12th सेंचुरी। लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन द टेबल, लेट्स गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये जो सुंदर सी लाइन्स हैं ये लाइन्स जो हैं वो टी एस एलियट की पोयम है, दैट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और ये जो पोयम है ये इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो दिखाती हुई ये पोयम है। और टी एस एलियट की इस पोयम का जो ओरिजिनल टाइटल था प्रूफ्रॉक, जो इसका टाइटल ये तो बाद में रखा इन्होंने, इसका टाइटल था प्रूफ्रॉक अमंग द विमेन। इसका टाइटल ओरिजिनल टाइटल था प्रूफ्रॉक अमंग द विमेन और ये उसी से लाइन ली गई है। लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, ये इसमें बिल्कुल जो है इसमें सिमिली का यूज किया गया है, इवनिंग को कंपेयर करा गया है पेशेंट से। और ये लाइन जो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। With whom did Pip live with the at the beginning of the Great Expectations? Great Expectations, Victorian जो novelist हैं Charles Dickens, उनके द्वारा लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत novel है। और Pip, Philip Pip, जो अपना नाम ढंग से pronounce नहीं कर पाता था तो वो अपने आप को Pip कहा करता था। और जब शुरुआत हुई थी तो वो अपने brother-in-law Joe के साथ और अपनी झगड़ालू बहन के साथ रहता था, तो with her elder sister and brother-in-law. Who described Conrad's novella Heart of Darkness as an offensive and deplorable book that dehumanized Africans? तो ये जो novel है Heart of Darkness, इसे offensive और deplorable कहा है किसने? Chinua Achebe ने। These are the words of Chinua Achebe. Now the next question is, which of the following is not a Dylan Thomas work? Fern Hill and Death Shall Have No Dominion and Refusal to Mourn the Death by Fire, Easter 1916. इनमें से जो work नहीं है वो ये है, क्योंकि this is a poem by W.B. Yeats. ये poem W.B. Yeats की poem है, तो ये ईस्टर 1916 डायलन थॉमस का वर्क नहीं है, इट्स अ पोयम बाय डब्ल्यू बी ईट्स। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट? आपको पता होगा कि इसमें शेक्सपियर ने हैमलेट में सुपरनैचुरल एक्टिविटी में सुपरनैचुरल एलिमेंट में घोस्ट को यूज किया है। घोस्ट कौन है? किंग हैमलेट। और जो किंग जब वो घोस्ट जो है वो अपेयर होता है और होरेशियो अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए उन्हें कहते हैं तो वो चला जाता है घोस्ट। क्यों? किससे इंटरप्ट हो जाता है? मुर्गे के बोलने से। तो दैट इज the cock crowed and signaled that it is morning. तो इसमें यह तो सबको वैसे पता ही है, cock crowed and signaled that it is morning. तो यह है इसका आंसर, that is one. Name the character from A Passage to India who falsely accuses Aziz of sexual assault. Adela questioned Stella, Mrs. Turton, Mrs. Moore. तो जो Passage to India जो कि E.M. Forster का वर्क है उनमें किस कौन जो है वो अजीज को सेक्सुअल असॉल्ट के उसमें जो है उसको पर झूठा आरोप लगाता है लगाती है, तो दैट्स एडेला क्वेस्टेड।
इससे पहले के इसमें मैंने इसके बारे में बताया भी था। विच वॉर मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश मॉडर्निज्म। ब्रिटिश मॉडर्निज्म की जो शुरुआत हुई है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर वन का प्रभाव ही पोएम्स में देखने को मिलता है, बी इट जो है वेस्टलैंड हो या जो ऑब्वियसली ये पोएम्स, ये वर्ल्ड द वेस्टलैंड तो एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक मिनट, वेस्टलैंड तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो बताती है वर्ल्ड वॉर का प्रभाव जो है कि दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितना आर्टिस्ट अपने चश्मे से दिखाते हैं। तो जो कौन सा वॉर जो है, ब्रिटिश मॉडर्निज्म की जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज वर्ल्ड वॉर वन। वट डज ऑल द क्लॉक सेट एट 20 मिनट्स टू 9 इन मिस हैविशम्स रूम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन सिम्बलाइज। अगर आप लोगों ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ी है तो मिस हैविशम, जिनकी शादी होने वाली होती है, शादी से पहले ही उनका फियांसे उन्हें छोड़कर चला जाता है। टिल डेट वो कुछ भी चेंज नहीं करती हैं, वो केक ऐसा ही रखा हुआ है, वो घड़िया वैसे ही है, वो अपनी वेडिंग ड्रेस में ही अपनी व्हील चेयर पर रहती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? इट सिम्बलाइज शी डिड नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग इन हर लाइफ। तो ये इज दैट मिस हैविशम डू नॉट वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग। मर्डर इन द कैथीड्रल इज अ मॉक एपिक मेटा थिएटर एब्जर्ड प्ले मिरेकल प्ले। मर्डर इन द कैथीड्रल में थॉमस बेकेट के असैसिनेशन के बारे में बताया गया है, उसके बाद उन्हें संत घोषित किया गया था। तो ये संतों के चमत्कार की कहानियां किस में बताई जाती हैं? मिरेकल प्लेज में। तो मर्डर इन द कैथीड्रल क्या है? इट्स अ मिरेकल प्ले। हाउ डज द हेम्समैन डाई इन हार्ट ऑफ डार्कनेस? हेम्समैन हार्ट ऑफ डार्कनेस में कैसे मरता है? ही वॉज किल्ड बाय अ स्पीयर, बाय अ वाइल्ड बोआ, बाय अ कॉन्ग इन कॉन्गो रिवर, और ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो ही वॉज किल्ड बाय अ स्पीयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज? द डिफिकल्टी इज टू फाइंड देम टू डू, नेवर लूज अ चांस, इट डजेंट कम एवरी डे। आई शैल मेक अ डचेस ऑफ दिस ड्रैगल टेल्ड गटर स्नाइप। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पिगमेलियन जो है, जिसमें एक फूल बेचने वाली लड़की को एक बहुत ही रिफाइंड वेमन में चेंज किया जाता है। तो ये जो है इसमें कह रहा है कि वॉट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फॉलीज, कि जिंदगी क्या एक मूर्खता इंस्पायर्ड मूर्खताओं से। और मुश्किल तो ये है कि उन्हें ढूंढे कैसे। नेवर लूज अ चांस, कभी चांस मिलता है तो वो रोज नहीं मिलता है। आई शैल मेक अ डचेस ऑफ दिस ड्रैगल टेल्ड गटर स्नाइप, कि मैं, मुझे मौका मिले तो मैं इस लड़की को एक डचेस जो है वो बना दूं। तो ये डायलॉग है पिगमेलियन, जो कि बहुत ही फेमस मूवी जिसमें अडेप्टेशन हुआ था माई फेयर लेडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर डैश नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 20 वॉवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो टोटल हो गए 44 साउंड्स, जिसमें से भी 12 प्योर और 8 जो है वो डिप्थोंग्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मॉर्फीम? इनमें से कौन सा मॉर्फीम नहीं है? इन्फ्लेक्शन बाउंड मॉर्फीम्स, एक्सटर्नल मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम्स, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फीम। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। सबसे साउंड की सबसे छोटी यूनिट को मॉर्फीम कहा जाता है। जैसे अगर हम साउंड ही बोले तो ये मॉर्फीम है। साउंड की सबसे छोटी यूनिट को मॉर्फीम कहा जाता है। इन्फ्लेक्शनल है, डेरिवेशनल है, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स हैं। जो नहीं है वो एक्सटर्नल मॉर्फीम्स नहीं होते। नाउ द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड,
आवाज का उठना गिरना, उठना गिरना, दैट इज नोन एज इंटोनेशन. फॉल ऑफ पिच इन वॉइस, दैट इज नोन एज इंटोनेशन. What was the order of ages in Thomas Love Peacock's The Four Ages of Poetry? तो थॉमस लव पीकॉक ने भी पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है, तो उन्होंने जो एजेस को बताया है, फोर एजेस ऑफ पोइट्री, दैट इज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास. That is iron, gold, silver and brass. Diphthongs are two unstressed syllables followed by two stressed syllables. Sequence of two vowels, two similar looking words with different meaning, sequence of two consonants. Diphthongs क्या होते हैं? जो दो vowel का sound एक साथ आता है. जैसे अगर हम यहाँ पर boy लिख रहे हैं, पहली बात तो इसे boy नहीं बोलते, that's boy. और इसका जो sound आता है वो आया OE. तो OE में जो दो sound है, ये इन्हें जो जब दो वॉल का साउंड इकट्ठा आता है तो उन्हें डिप्थोंग्स कहा जाता है. सीक्वेंस ऑफ टू वॉल्स इज नोन एज डिप्थोंग्स. विद होम डू वी रिलेट द फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज में कोई फैंटसी है या कोई कहानी है या कोई कोई भी चीज देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप उसमें लॉजिक नहीं लगाते. वट एवर इज गोइंग ऑन, यू जस्ट एक्सेप्ट इट. दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. इट मीन्स व्हेन यू डोंट रेज अ क्वेश्चन, व्हेन यू डोंट पुट अ लॉजिक, व्हेन यू वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव दैट यू बिलीव, वट एवर द पर्सन द राइटर वॉन्ट यू टू बिलीव एंड यू बिलीव इट, दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव. आप ऐसा मानिए कि जैसे अगर आप साउथ की मूवीज देखते हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं, या आप कोई भी मूवी देखते हैं और उसमें हीरो जो है वो 10-10 गुंडों से लड़ता है, तो यू डोंट पुट लॉजिक. क्या आप लॉजिक नहीं लगाते, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई ये हीरो ऐसा थोड़ी ना कर सकता. तो दिस इज वी कॉल, जब हम मान लेते हैं हाँ ये ऐसा है. अब अजय देवगन की अगर को अगर आप देखकर आपके दिमाग में एक वही एक इमेज बनती है कि उनकी जो सिंघम वाली, तो और कि वो एक हाथ मारेंगे और जीप उलटती हुई चली जाती है, अब हम इसमें लॉजिक लगाएं तो वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं है. इफ वी बिलीव कि हाँ ऐसा, मतलब वॉट एवर इज हैपनिंग वी जस्ट एंजॉय इट, एंड हम जानबूझकर उस चीज में डिसबिलीफ नहीं लाते हैं, तो दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. और ये टर्म जो दिया था किसके द्वारा दिया गया था, दैट वॉज गिवन बाय एस टी कॉलरिज, जो कि जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स जो है वो निकाला था. This novel by Haruki Murakami is a nostalgic story of loss and burgeoning sexuality. It is told from the first person perspective of Toru, who looks back on his days as a college student living in Tokyo. Name the novel. That is Sputnik Sweetheart, Norwegian Wood, Kafka on the Shore, IQ 84. And that is Norwegian Wood. इसके बारे में भी कुछ जो पॉइंट्स अभी नहीं ले रही हूँ उनको अलग से जो है डिस्कस करूंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो इज नॉट करेक्टली मैच विद हिज कैरेक्टर. एडगर एलन पो जो कि अमेरिकन राइटर थे और वो जो है एक सस्पेंस की स्टोरीज जो है वो लिखा करते थे, फुल ऑफ सस्पेंस उनकी स्टोरीज हुआ करती थी. द मर्डर इन द र्यू मॉग, द कास्क ऑफ मोंटिलैंडो और द पर्लॉइंड लेटर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर. इसमें जो सेकंड ऑप्शन है द कास्क ऑफ मोंटिलैंडो, इसका जो कैरेक्टर है वो मॉन्श्योर जी नहीं है. Name the school. Name the school the narrator protagonist is attending when the novel The Catcher in the Rye begins, and that is
पेंसी प्रेप स्कूल की इस नॉवल में जो कैचर इन द राय में जो स्कूल अटेंड करते हैं पेंसी प्रेप स्कूल, ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि स्कूल भी पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ बामा? बामा का जो सिग्निफिकेंट वर्क है वो है दैट इज काव्य अलंकार। ठीक है, तो ये है आपका देखिए शब्द अनुसरण, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार या धन ध्वन्यलोक। तो दैट इज काव्य अलंकार, भामा बाहमा का दैट इज काव्य अलंकार। इनर एसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हैड अ सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर हाइपोथेटिकल सिस्टर व्हाट वाज इट? एक बार ये जो वे फोर्थ वे फेमिनिज्म है, वर्जीनिया वुल्फ से एक बार किसी ने ये पूछा कि अगर औरतें इतनी ही ज्यादा टैलेंटेड होती हैं तो ऐसा क्या है कि वो इतनी ज्यादा फेमस जो है वो नहीं हो पाती? तो शी रॉट अ वर्क, उनका एक वर्क है इन अ रूम ऑफ वंस ओन। रूम ऑफ वंस ओन में उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक शेक्स अगर व्हाट इफ कि अगर 16th सेंचुरी में शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती और वो जो है प्लेज लिखती तो क्या होता? तो उन्होंने इसमें ये बताया है कि शेक्सपियर की सिस्टर है, ये एक ऐसे है उन ये इसमें रूम ऑफ वंस ओन में एक जो है वो वर्क है, उसमें बताया है शेक्सपियर की एक सिस्टर है जूडिथ, और वो सबसे रिवोल्ट करके वहाँ जाती है अपने प्लेज लिखने के लिए, मगर उसको सेक्सुअली जो है वो उसको उसको मिसहैंडल जो है वो किया जाता है, उसको एक तरीके से सिड्यूस किया जाता है और उसकी काम के सिलसिले में और उसमें, और इवेंचुअली कि जब कुछ नहीं होता शी गॉट प्रेग्नेंट एंड आफ्टर शी कमिट दैट शी कमिटेड सुसाइड। तो ये उन्होंने एक जो है एक औरत की त्रासदी जो है वो इसमें दिखाई है कि क्या होता है। तो रूम ऑफ वन सोन में ये एक ऐसे है इफ व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हैड अ सिस्टर, और उसमें उन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर का जो नाम दिया है वो दिया है क्या, दैट इज जूडिथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट? इनमें से कौन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है? एंड दैट इज फर्डिनेंड डी सस्यूर। फर्डिनेंड डी सस्यूर जो है वो नहीं है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डज द फ्रेज वैली ऑफ एशेज अपियर? दैट इज कैच 22, इनविजिबल मैन, मोबी डिक, द ग्रेट गैट्सबी। तो मैं अब आपको इसमें थोड़ा सा ग्रेट गैट्सबी के बारे में बताऊं, तो ये जो है यहां से ग्रेट, इसका जो आंसर है वो द ग्रेट गैट्सबी है, और ये जो नॉवल है ये लिखा गया है एफ स्कॉट फिजरॉल्ड के द्वारा, ये इसकी सेटिंग है जैज एज में, इसकी सेटिंग दिखाई गई है और नैरेटर है इसका, इसका नैरेटर है निक कैरवे। निक कैरवे जो है वो इसका नैरेटर जो है वो दिखाया है द ग्रेट। तो वैली ऑफ एशेस जो अपीयर होता है वो नॉवल है द ग्रेट गैट्सबी, किसके द्वारा लिखा गया है, स्कॉट फिजरॉल्ड के द्वारा, ये सेटिंग है जैज एज और नैरेटर कौन है, निक कैरवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलैबोरेटेड वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स? द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल वॉल्यूम 1, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली। दास कैपिटल वॉल्यूम 1 जो है वो कोलैबोरेशन नहीं है। विच ऑफ द व्हाट डू द ग्लास एनिमल फिगरीन्स लॉरा पजेस इन द ग्लास मेनेजरी सिंबलाइज? अब मैं अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना भी चाहूंगी। सबसे पहले ये जो वर्क है द ग्लास मैनेजरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है केनेस विलियम्स के द्वारा। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इस प्ले में हैं, ये बेस्ड ऑन मेमोरी है,
ये प्ले जब आया था तो ये एक बेस्ड ऑन मेमोरी प्ले है, जिसके बारे में जो नैरेटर टॉम है वो ये कहता है कि अगर सभी चीज पे विश्वास मत करिएगा, हो सकता है मेमोरी बेस्ड है, कुछ चीजें ऐसी ना घटी हो जैसी हुई थी। तो ये कहानी जो है वो एक जो है इसमें लॉरा को दिखाया है, व्हाट डू द ग्लास एनिमल फिगर, हाँ इसमें दिखाया है कि एक औरत है और उसकी एक बेटी है लॉरा, जिसके पैर में लिंप है, और वो जो है उसका बेटा है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। लॉरा की लिंप की वजह से वो लोगों से मिलती जुलती नहीं है। उसके पास ग्लास एनिमल्स हैं और वो उनको बहुत संभाल के जो है वो रखती है। एक दिन टॉम जो है वो अपने साथ काम करने वाले एक लड़के को लेकर आता है, तो उसकी मदर को उसमें प्रोस्पेक्टिव जो है वो अपना जो है सन इन लॉ दिखता है। वो कुछ समय के लिए लॉरा उसको अकेले छोड़ते हैं और वो लॉरा के साथ डांस करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उससे वो जो एक जो उसका ग्लास फिगरीन है वो टूट के गिर जाता है, और वो जो है एक जो कांच का जो एनिमल है वो उससे टूट के गिर जाता है, और उसको वो चलते समय उससे कहता है कि मैं जो है मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। तो वो उसको वो जो यूनिकॉर्न है वो जो टूटता है, तो वो उसको टूटा हुआ यूनिकॉर्न देख कहती है कि ये तुम आज की डेट को याद रखते हुए ले जाओ। उसके बाद उसकी मदर जो है बहुत ज़्यादा उसको सुनाती है कि तुम ऐसे लड़के को लेकर आए हो जो ऑलरेडी एंगेज्ड एंड ऑल दैट। तो सोचता है शायद वो इस परिस्थिति से बचने के लिए कि कहीं मुझे शादी के पर्सपेक्टिव ग्रूम ना समझ लें, इसलिए ये सारा जो है काम किया गया है। मैं लॉरा जो लड़की दिखाई है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, वो अपने किससे मिलती जुलती नहीं है क्योंकि अपने पैर की खराबी की वजह से वो पढ़ाई भी छोड़ चुकी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो ग्लास को संभाल के, जैसे ग्लास है एक ज़रा से झटके से, इतने ब्रिटल होते हैं कि ज़रा से झटके से टूट जाते हैं। तो जो ये द ग्लास मैनेजरी है, इसमें जो लॉरा के पास जो ग्लास के जो जितने भी जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, लॉराज फ्रेजिलिटी एंड अदर वर्ल्डीनेस, कि वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कोमल है, उसका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, एंड शी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड। तो ये जो है वैसे डू वी रियली नीड टू अडेप्ट आवर सेल्व्स टू द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ है, खैर ये तो मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस बात कही है, लॉरा जो है इसमें जो उसके ग्लास जो बहुत संभाल संभाल के रखती है, वो सिंबल किस चीज़ का है, उसके फ्रेजाइल नेचर का, कि बहुत जल्दी वो भी टूटने की कगार पर आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेल रॉट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय एलन टेट, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लीविस, और एक मिनट, क्लिंथ ब्रुक्स, एंड द आंसर इज क्लिंथ ब्रुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, पॉन शॉप्स, बफलो बिल, ड्रंकननेस आर द कॉमन टर्म्स विच अपियर फ्रीक्वेंटली इन द वर्क्स ऑफ। पॉन शॉप्स, बफलो बिल्स, ड्रंकननेस, ये सारे के सारे जो है किस में आते थे, नेटिव अमेरिकन राइटर्स के वर्क्स में, यूज टू कम इन नेटिव अमेरिकन राइटर्स, उनके वर्क्स में यह चीजें हमें देखने को मिलती थी, नेटिव अमेरिकन राइटर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ नॉर्थ नॉर्थ्रॉप फ्राई, आर टाइप्स ऑफ लिटरेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फियरफुल सिमेट्री, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। जो वर्क नहीं है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये आई ए रिचर्ड्स का वर्क है, तो ये नॉर्थ्रॉप फ्राई का वर्क नहीं है, ये आई ए रिचर्ड्स का वर्क है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हेमर्शिया। एरिस्टोटल जिनका आपने डेफिनेशन ऑफ पोइट्री जो है, सॉरी ट्रेजेडी जी है, कि ट्रेजेडी के बारे में जो उन्होंने बताया है कि इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, और उसमें हेमर्शिया जो यूज किया है इन्होंने टर्म, इनका जो वर्क है दैट्स पोएटिक्स, पोएटिक्स में ये टर्म जो है वो इन्होंने यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अडॉप्टेड जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नॉवल लाइट इन ऑगस्ट, जोआना बर्डन, अंकल डॉक हाइंस, गॉल हाइटावर, मिसेज एंड मिस्टर मैकन, ये यहाँ से इतनी दूर से मुझसे पढ़ा नहीं जाता, दैट इज मिसेज एंड मिस्टर मैकन। चलिए ये हुए 100 क्वेश्चंस। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं,
an Indian writer, my debuted novel won Booker Prize in 2008. The film adaptation of that novel was released in 2021. Starrer Priyanka Chopra and Rajkumar Rao. Who am I? तो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक नॉवल है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर. व्हाइट टाइगर जिसको नरेटर था बलराम हलवाई, जिसमें कास्ट डिस्टिंक्शन पर बेस्ड ये नॉवल है. और इस पर जो है 2021 में एक वेब सीरीज जो है वो बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा एंड राजकुमार राव थे. और ये जो है ये नॉवल कौन सा है, दैट इज द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा. From where did the title of Kamala Markandeya's novel Nectar in a Sieve taken from? Kamala Markandeya का जो novel है Nectar in a Sieve, उसमें कहानी बताई गई है. Nectar in a Sieve एक मजदूर जो है जोड़े पर ये पेश कहानी है जिसमें जो जितना रोज कमाते हैं वो नेक्टर इन अ सीव की तरह है कि छन्नी में से जो है वो हर चीज बह जाती है. और कमला मार्कंडेय का जो ये नॉवल का टाइटल लिया गया है ये एसटी कॉलरिज की एक पोयम है वर्क विदाउट होप, वहां से ये लिया गया है. कमला मार्कंडेय का कॉलरिज की पोयम, कुछ और बोल गई होंगी मैं मेरे ख्याल से. कमला मार्कंडेय का जो ये नॉवल का टाइटल है नेक्टर इन अ सीव, ये लिया गया है कॉलरिज की पोयम वर्क विदाउट होप से. काम तो कर रहे हैं मगर बिना उम्मीद के. सरफेसिंग इज अ कंपेनियन नॉवल टू मार्गरेट एटवुड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड पावर पॉलिटिक्स, द जर्नल्स ऑफ सुजैन, द सर्कल गेम, टू हेडेड पोएम्स. तो ये जो है इसका आंसर है पावर पॉलिटिक्स. पावर पॉलिटिक्स का सरफेसिंग इज अ कंपेनियन नॉवल टू मार्गरेट एटवुड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड पावर पॉलिटिक्स. Which of the following is not correct of Alice Walker's The Color Purple? It was adapted into a film of the same name in 1985. बिल्कुल सही है. It won. It is an epistolary novel. Epistolary novel का मतलब होता है कि जो letter form में लिखी जाती है. It won Oscar for the best adaptation of a novel. It won Pulitzer Prize for fiction in 1983. तो इनमें जो सही नहीं है वो है इसको Oscar Prize नहीं मिला. It won Oscar Award. इसको Oscar नहीं मिला है. मरियम इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ खालिद हौसनी वर्क. खालिद हौसनी का एक बहुत ही खूबसूरत वर्क है थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, जिसमें अफगान वुमेन की कहानी जो है वो बताई गई है. तीन जनरेशंस की अफगानी वुमेन की कहानी है थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स. और ये जो है इसमें जब तालिबान शासन का था तब उसकी कहानी जो है वो बताई गई है. हाउ विमेन वर सब्जेक्ट टू एट्रॉसिटीज. और बेहद खूबसूरत जो है ये नॉवल है खालिद हौसनी का. और इसमें ही ये कैरेक्टर है दैट्स मरियम. नाउ द नेक्स्ट वन इज द हार्प ऑफ इंडिया इज अ पोयम बाय. हार्प ऑफ इंडिया जो पोयम है वो हेनरी लुई डेरोजियो के द्वारा, ये इंडियन राइटर ही है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये पोयम है. Who among the following was the first published black American poet? And that is Phyllis Wheatley. Phyllis Wheatley. Which of the following is arranged in the correct order of publication? The ये देख लीजिए पहले. और इसका जो है that is ये है Roughing It, The Adventures of Tom Sawyer, Life. Roughing It, The Adventures of Tom Sawyer, Life on the Mississippi, Adventures of Huckleberry Finn. चलिए आगे बढ़ते हैं. और Now the next one is who among the following wrote the first introduction to the first collection of Rabindranath Tagore Gitanjali. Gitanjali jo work hai uske liye
जो इंट्रोडक्शन था वो किसने लिखा था? आयरिश पोएट डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा लिखा गया था, इसका इंट्रोडक्शन लिखा था डब्ल्यू बी ईट्स के, इसी के लिए उनको जो है प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ टोनी मॉरिसन डज द कैरेक्टर नेम्ड पिकोला ब्रेडलव अपियर? टोनी मॉरिसन की जो नॉवल है दैट इज द ब्लूएस्ट आई, द ब्लूएस्ट आई जो है उसमें, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी आप लोगों को। और ये पहली बात, दिस इज फर्स्ट नॉवल ऑफ टोनी मॉरिसन, फर्स्ट नॉवल ऑफ टोनी मॉरिसन। इसमें जो पिकोला है शी इज रिगार्डेड अगली बिकॉज ऑफ हर स्किन कलर। तो ये उनका पहला नॉवल है टोनी मॉरिसन का, जिसमें जो कैरेक्टर है पिकोला वो उसको अगली जो है वो करार दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111। द प्रिजन्स वी ब्रोक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, द प्रिजन्स वी ब्रोक जो ऑटोबायोग्राफी है ये लिखी गई है दलित ऑपरेशन पर, यानी कि दलितों के को जो सब्जुगेट किया गया है, जो दबाया जाता है, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बेबी ताई कामले की। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेबी ताई कामले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एंड हिज वर्क इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें चुगताई लिहाफ, महाश्वेता देवी गर्म हवा, वाइकॉम बशीर द कार्ड शार्पर्स डॉटर, निर्मल वर्मा बर्ड। तो मैं अब आपको इसमें बताऊं कि इसमें गर्म हवा जो वर्क है दैट इज नॉट ऑफ महाश्वेता देवी। ये जो वर्क है ये एक्चुअली एक स्क्रीन पे प्ले लिखा था, ये स्क्रीन प्ले लिखा गया है कैफी आजमी के द्वारा, और इसको जो है ये एक अनपब्लिश्ड स्टोरी पर आधारित है गरम हवा, इसमें चुगताई की एक अनपब्लिश्ड स्टोरी पर आधारित है दैट इज गरम हवा, और ये एक स्क्रीन प्ले था जो लिखा गया है कैफी आजमी के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैंने छोटे छोटे नोट्स बना के बीच बीच में मैं चेक कर लेती हूँ। और वाई वॉज होल्डन ऑस्ट्रेसाइज बाय द पेंसी फेंसिंग टीम इन द कैचर इन द राय? ये फिर वही वाला नॉवल जो है वो आया है, कैचर इन द राय वाला जो नॉवल है। उसके बाद हिज टीम लॉस्ट मैच बिकॉज ऑफ हिम, ही वॉज अ ब्लैक प्लेयर, ही हिट वन ऑफ द टीम प्लेयर, ही लॉस्ट द टीम्स इक्विपमेंट। तो इसमें यही है, इसका 113 का जो आंसर है वो यही है, दैट्स फोर्थ, ही लॉस्ट द टीम्स इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 114। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज सेट इन अ विलेज नेम्ड हीर माजरा, खेजड़ी, कंठपुरा, मानो माजरा। ये जो नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, और ये इसमें जो कहानी कही गई है वो एक विलेज के द्वारा कही गई है, और उस विलेज का नाम है मानो माजरा। तो वह उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी जो है वो कही गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का नॉवल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विक्रम सेठ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द गोल्डन गेट, द टेल ऑफ मेलन सिटी, अ सूटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक। तो ये विक्रम सेठ के नॉवेल्स हैं, तो इसका जो ऑप्शन है दैट्स बी ए सी डी, दैट्स 3 BACD। क्वेश्चन नंबर 116। वट डज ए इन हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर स्टैंड फॉर? हेस्टाप्रीन के लिए यूज होता है बिकॉज शी कमिटेड एडल्ट्री, तो उसको ये नॉवल जो है स्यू करके अपने पब जो है हट के पास पहनना होता है, तो ए स्टैंड फॉर एडल्ट्री। वी एस दॉयपॉल्स अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास वॉज पब्लिश्ड इन ईयर, तो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास वॉज पब्लिश्ड इन 1961।
दैट इज 1961. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट भीष्म साहनीस तमस. इट वॉज रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू द कम्युनल वायलेंस ऑफ भिवंडी इन द अर्ली 70s ऑफ द लास्ट सेंचुरी. It is based on the riots of 1947 partition of Indian subcontinent. It was originally written in Urdu, which was later translated into Hindi by his brother. Murad Ali is one of the major characters of the novel. तो तमस अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो बहुत जब मैं भी बहुत छोटी थी तब ये आया करता था तमस. तो ये इसमें पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट ठीक है लेकिन इसका थर्ड पॉइंट जो है तमस का वो सही नहीं है. और इसमें यस तमस में जो थर्ड पॉइंट है दैट इज नॉट करेक्ट. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन उर्दू. ये इसका पॉइंट सही नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेतन भगत लेटेस्ट नॉवल. रेवोल्यूशन 2020, वन इंडियन गर्ल, वन अरेंज्ड मर्डर, द गर्ल इन रूम 105. वन अरेंज्ड मर्डर ये उनका लेटेस्ट नॉवल है. And who translated यू आर आनंद मूर्ति संस्कारा. तो ये आनंद मूर्ति के संस्कारा को जो ट्रांसलेट करा है वो ट्रांसलेट करा है ए के रामानुजन ने. तो ये थे कुल 120 क्वेश्चन थे. 51 मैंने पहले कराए थे और बाकी के कराए हैं आज. 51 मिनट्स मुझे हो गए इसे करवाने में. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पेपर के साथ. उसमें मैं ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो ले लूंगी. ठीक है जी, बाय बाय. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज आपको मेरी हालत देख के पता चलेगा थकी हुई तो मैं आज भी बहुत हूँ लेकिन मैंने सोचा बेचारे जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बेचारे तो नहीं, मैं ऐसी मैं प्यार में बोल देती हूँ, जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो वाकई में उम्मीद करते हैं, तो मैं आज चली जाती हूँ. आज मेरी हालत आज भी नहीं हो रही थी मगर जो है आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आ गई. चलिए मिलते हैं, बाय बाय.